बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। इल्मी बुक की हम जो तैयारी कर रहे हैं उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। और पहला जो हमारा क्वेश्चन है सेशन का, AST कंपनी हैज़ करंट रेशो ऑफ 4:3। करंट लाइबिलिटीज रिपोर्टेड बाई कंपनी आर 30,000। वट वुड बी दी नेट वर्किंग कैपिटल फॉर द कंपनी। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट रेशो का जो फार्मूला है, करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड करंट लाइबिलिटीज। तो ये बताया जा रहा है कि 4:3 है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो 30,000 है। इट्स मीन के अगर ये 30,000 है तो 40,000 करंट एसेट्स होंगे। तो अगर ये हमारे पास सिचुएशन हो तो वर्किंग कैपिटल जो हमारे पास होता है, तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल कहा गया कि बताएं कौन सा होगा। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो 40,000 माइनस 30,000, तो आपका ये आंसर जो सी है यानी कि 10,000 ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। कि ऑनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक है, नन ऑफ द अबव। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड आपकी लाइबिलिटी होती है, यानी कि जितने आपके पास जितनी कीमत के स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, उतनी ही आपकी लाइबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम प्रोवाइड द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ शील्डिंग पार्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम टैक्स। के कौन सा जो यहाँ पे हमारे चार चीज़ें दी गई हैं, इनमें से कौन सी चीज़ है जो टैक्स शील्ड प्रोवाइड करती है। टैक्स शील्ड मीन टैक्स को कम करती है। तो आपने इनमें से देखना है कि नेट इनकम तक पहुँचने के लिए जो एक्सपेंसेस आपकी नेट इनकम को रिड्यूस करते हैं, वो नेट इनकम कम होने का मतलब है कि इनकम टैक्स भी कम पड़ेगा। तो इनमें से देख लेते हैं, इन्वेंट्री जो है ये बैलेंस शीट का आइटम है, सप्लाइज ये भी नहीं है, और मशीनरी ये भी नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है ये आपको जो टैक्स शील्ड देता है, यानी कि यहाँ पे अगर टैक्स जितना डेप्रिसिएशन जो है जितनी आप पे करेंगे या जितने एक्सपेंसेस उसके आप इनकर करेंगे उस पर आपको टैक्स शील्ड मिलेगी। तो डेप्रिसिएशन आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट ऑफ और ए स्ट्रीम ऑफ पेमेंट दैट इज टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर इज नोन एज। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू यानी कि जो फ्यूचर में आपके पास अमाउंट आएगी उसको आज की वैल्यू मालूम करने के लिए उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर की जो अमाउंट आएगी उसमें इन्फ्लेशन होगा, उसमें रिस्क का रिटर्न होगा। तो इट्स मीन कि उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे तो डिस्काउंट करेंगे। तो ये प्रोसेस जो होता है प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने का, डिस्काउंटिंग का प्रोसेस होता है। और जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो आज रकम जमा करवा रहे हैं या पे कर रहे हैं तो उसको फ्यूचर में हासिल करेंगे तो उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। तो फैक्टराइजेशन अलग है और नन ऑफ द या नन वाला तो ऑप्शन नहीं है, तो डिस्काउंटिंग ऑप्शन नंबर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, यू नीड द रुपीज़ 10,000 टू बाय ए न्यू टेलीविजन इफ़ यू हैव रुपीज़ 6,000 टू इन्वेस्ट एट 5% कंपाउंडेड एनुअली, हाउ लॉन्ग विल यू हैव टू वेट टू बाय टेलीविजन। तो इसमें सिंपल है, आपके पास जो कंपाउंड अमाउंट है यानी कि अमाउंट भी आपके पास गिवन है, आपके पास रेट भी गिवन है, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट इसमें 6,000 है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे तो उसमें टी की वैल्यू फार्मूले में से एक साइड पे निकाल के तो मालूम कर सकते हैं। तो आपके पास ऑटोमेटिकली 10.51 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जगह कम है तो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपने फार्मूला अप्लाई करना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नोन एज कैश फ्लो आइडेंटिटी CF। तो कैश फ्लो आइडेंटिटी जितनी आपकी एसेट से इनकम है या कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स है, वो क्रेडिटर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पे करते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स इक्वल होता है कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स और
जो इक्विटी शेयर होल्डर, तो आप फार्मूला यहाँ पे देख लें कौन सा है, कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स इक्वल टू कैश फ्लो फ्रॉम क्रेडिटर टू क्रेडिटर्स माइनस कैश फ्लो टू, ये गलत है, ये नहीं है। दूसरा देख लें, कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स इक्वल टू कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स माइनस, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है, कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स इक्वल टू कैश फ्लो टू स्टॉक क्रेडिटर्स प्लस कैश फ्लो टू एसेट्स, ये गलत है। यहाँ पे डी जो ऑप्शन है, कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स प्लस कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर, तो ये ऑप्शन डी जो है वो आपका ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनुटी कैश फ्लोज अकर एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड, तो जो एंड पे होती है वो उसको एनुटी ड्यू कहते हैं, और जो नॉर्मल जिसके बिगनिंग में पेमेंट होती है उसको ऑर्डिनरी एनुटी कहते हैं। तो आपका ये आंसर जो है ऑर्डिनरी एनुटी ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, बिटवीन द टू आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैविंग डिफरेंट मेच्योरिटी पीरियड द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल चेंज लेस देन दैट ऑफ बॉन्ड, तो जो आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड होगा जिसकी मेच्योरिटी पीरियड ज़्यादा होता है, तो उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, और जो बहुत जल्द मेच्योर होने वाला उसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन कम होती है, क्योंकि उस पर रिटर्न कम होता है, कम पीरियड के लिए उस पर रिटर्न पे किया जाता है। तो आपका ऑप्शन देख लें, लॉन्ग टर्म पहली जगह पे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। क्यों, द प्राइस ऑफ द शॉर्ट टर्म बॉन्ड विल चेंज लेस देन दैट ऑफ द लॉन्ग टर्म बॉन्ड, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड की जो प्राइस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है बनिस्बत शॉर्ट टर्म बॉन्ड के। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग विच ऑफ़ द गिवन एरियाज इज एड्रेस्ड बाई द बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस जो है वो कौन कौन से एरियाज़ के साथ डील करती है, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग मैनेजिंग डे टू डे बिजनेस डे टू डे एक्सपेंसिस को वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, तो ये ऑल ऑफ द अबव ये सारे के सारे फाइनेंस के एरियाज़ हैं, मेन एरियाज़। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज लीस्ट रेगुलेटेड, कि जिसका कानूनी काम कम से कम होता है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जनरल पार्टनरशिप है, लिमिटेड पार्टनरशिप है, कॉरपोरेशन, तो इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप है जो रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं, रेगुलेटेड कम ही होती है, और ये आपका ऑप्शन ए ठीक है। तो आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।